हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में यार हम लोग रिव्यू कर रहे हैं बजाज प्लेटिना एच गियर का BS6 वेरिएंट। और ये बाइक है ब्लू कलर पे, और जिन लोगों को रेड कलर पे ये बाइक देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जाकर के रेड वाला कलर भी देख सकते हो, काफ़ी औसम लगता है। और इस कलर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर मैं इस बाइक की प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 62,835 रुपये का एक शोरूम देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक की बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। और ओवरऑल अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो ये ऐसी बाइक्स डेवलप की है बजाज ने जो कि हर तरह की रोड में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती हैं, और काफ़ी अच्छा कंफर्ट और वैल्यू फॉर मनी वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो निकल कर आता है। और वो बताता हूँ मैं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक की फ्रंट की, तो अगर सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है, और उसके ऊपर DRL फिक्स किए गए हैं जिसको आप डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होने वाली है। और इस जो हैलोजन लैंप है इसको आप बंद भी कर सकते हो, ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। और इसके इंडिकेटर्स देखिए कुछ इस तरह के हैं और फ्लेक्सीबल वाले हैं। और जो इसमें क्रोम का जो ट्रीटमेंट दिया गया है इसकी वजह से ये थोड़ी सी आइकॉनिक लगती है आगे की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा लुक इनहेंस होकर आता है। और सामने की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम सामने दिया गया है ये आपको 240 का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और इसके जो सॉक्स हैं जो आपके फ्रंट सस्पेंशन है इसमें आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये वाले जो सॉक एब्जॉर्बर हैं ये टोटल ही कंफर्ट के लिहाज से बनाए गए हैं। और अगर मैं इसके सामने वाले टायर की प्रोफाइल की बात करूं तो यहां पर आपको 80-117 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जिसका जो थ्रेड है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो एलॉय का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जो मडगार्ड में एक्सेंस स्टिकर्स वगैरह यूज किए गए हैं उससे भी इस बाइक का थोड़ा सा जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जो ये कलर का जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक और ब्लू का वो काफ़ी काबिले तारीफ अच्छा लग रहा था मुझे रियल आंखों से देखने में। और इस बाइक की अगर मीटर की बात करें तो यहाँ पर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल वाले सेक्शन में देखने को मिल जाती है। और ये बाइक आपको गियर सजेशन भी देती है कि किस स्पीड पर कौन सा गियर लगाएँ, तो ये बहुत ही खास फीचर्स है इस बाइक का। और इसकी मेन USP भी है इस बाइक की, ये फीचर और किसी बाइक पर नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आप लाइट को ऑफ कर सकते हो, सेल्फ स्टार्ट बटन है, और जिसके ग्रिप्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करे गए हैं। ये इसका रहा मास्टर सिलेंडर, और ये बाइक जो है ASB ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है, तो इसका ये मॉड्यूल लगा हुआ है। और लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम लो बीम और टर्न इंडिकेटर और हॉर्न और पासिंग का स्विच देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी कंफर्टेबल वाले ग्रिप यूज करे गए हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। और मिरर भी आप देख सकते हो, मिरर इसमें काफ़ी बड़े लगाए गए हैं तो जिसकी वजह से आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको टैंक देखने को मिलता है 11 लीटर का, और इसमें आपको टैंक पैड भी देखने को मिलता है छोटा सा। और इसमें आपको प्लेटिना लिखा हुआ मिलेगा, वो भी 3D में, ये कोई स्टिकर नहीं है, ये 3D वाला है, जैसे कि आप पल्सर का लोगो देखते हो उस टाइप का इसमें लगाया गया है। और इसके जो ग्राफिक्स और एक्सटेंशंस हैं वो काफ़ी सही लगते हैं, मतलब इस तरह की मोटरसाइकिल अगर देखी जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक ये प्रोवाइड कर देती है, और काफ़ी अपीयरेंस इसका अच्छा है मेरे हिसाब से। और इसके साइड पैनल्स की बात करें तो काफ़ी यूनिबॉडी टाइप के बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको मैट कलर का ब्लैक कलर नीचे देखने को मिलेगा। और पीछे का जो टेल सेक्शन है वहाँ पर आपको मिलेगा एच गियर 110 लिखा हुआ, जो कि इसके बताती है कि ये एच गियर वाली मोटरसाइकिल है। एक्चुअल में इसमें जो है 5 गियर हैं इसलिए इसको एच गियर बोलते हैं, जो पांचवा गियर है वो इस बाइक में एच गियर कहलाता है, यानी कि हाईवे गियर। और इसका जो ग्रैब हैंडल है और जो इसका सीट है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द कम्फर्टेबल सीट मैं इसको कह सकता हूँ। और इसकी जो कुशेंट है और जो इसमें सीट कवर जो लग के आता है वो काफ़ी अच्छा है और काबिले तारीफ है। और अगर मैं इसके साड़ी गार्ड की बात करूँ तो साड़ी गार्ड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर देखा जाए इसमें जो रबड़ का यूज किया गया है फुट रेस्ट करने के लिए, लेडीज़ों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है और पिलियन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, मतलब टोटल प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल है ये। अगर आपके घर में लेडीज़ वगैरह हैं जो साड़ी वगैरह पहन के एक साइड को बैठती हैं तो वो आराम से बैठ सकती हैं। और पीछे आपको नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिलते हैं, और ये सस्पेंशन ऐसे सेटअप किए गए हैं कि बजाज इनको बोलता है कि झटके मना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे वाला टायर भी 80-117 का ट्यूबलेस टायर है। और दूसरी चीज़ इनमें आपको रिम में स्ट्राइप्स देखने को मिल जाएगी। और जो इसका एग्जॉस्ट है इसमें क्रोम कलर का आपको प्लेट देखने को मिलेगा, जो हीट प्लेट जिसको बोलते हैं, और इसमें आपको काफ़ी बड़ा कैटालिटिक कन्वर्टर भी देखने को मिलता है। और ये आपका जो पीछे का टायर हैगर लगा हुआ है छोटा सा, और ये है ASB सिस्टम का मॉड्यूल जिसपे ये वर्क करता है। अगर आप पीछे वाला ब्रेक दबाओगे तो आगे वाला भी ब्रेक अप्लाई होता है थोड़ा बहुत। और बात करें यार इस बाइक के इंजन की, तो इसका इंजन है एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 115.45 cc का DTSI इंजन, जो कि BS6 कंप्लाइंट है। और ये इंजन अंडर स्क्वायर इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर है
6.3 किलोवाट 7000 आरपीएम पर और जिसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.81 न्यूटन मीटर 5000 आरपीएम पर। और ये बाइक आती है 5 गियर के साथ। और जो इसका स्टार्टिंग मेथड है, इसमें आपको किक का भी ऑप्शन मिलता है और सेल्फ का भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके मैं फ्यूल डिलीवरी सिस्टम की बात करूं, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर या इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन आप इसको बोल सकते हैं, वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है कि आप इसमें फ्यूल ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो और रिजर्व में भी लगा सकते हो। तो ये फीचर केवल इन्हीं बजाज की बाइकों में ही मिलता है, जो कि 125 सीसी तक ही ये आपको कार्बोरेटर देखने को मिलता है। तो यानी कि अगर आप थोड़ा सा रूरल एरिया में रहते हैं और आपके यहाँ जैसे पेट्रोल की कमी हो जाती है या कुछ ऐसा, तो ये फ्यूल इंजेक्शन की तरह ख़राब नहीं होगा। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इस मोटरसाइकिल के साथ मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है उसमें 2.5 लीटर तेल पड़ा ही रहना चाहिए ओवरऑल, नहीं तो फिर वो जो फ्यूल इंजेक्शन है वो ख़राब हो सकता है और आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इस बाइक के जो है डायमेंशन की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको सीट हाइट इसकी 804 mm की मिलती है। और अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको मैसिव 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि हर तरह की सड़क के लिए बहुत ही बेहतर है। और इस बाइक का जो वेट है वो 122 kg का है। और इस बाइक की माइलेज की बात करें दोस्तों, तो ये आपको 60-65 kmpl का माइलेज आराम से दे देगी। और फाइनली वर्डिक्ट की बात करें कि इस बाइक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा यार, जिन लोगों को एक लो मेंटेनेंस और रफ टफ मोटरसाइकिल चाहिए और जिनको हर तरह की सड़क पर चलाना है और उनको मेन लिहाजा कम्फर्ट से मतलब है और उनका जो है सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट भी अगर कम रहे, तो डेफिनेटली प्लैटिना एच गियर काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है मेरे हिसाब से। इसको आप डेली यूज़ में भी प्रयोग कर सकते हो और अगर आप कुछ खड़ा भी हैं अगर आपके यहाँ, तो आप वहाँ पर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है और इसमें ट्यूबलेस टायर भी यूज करे गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है और बजट पे है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एक वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है, जिसमें आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं और आपको कम्फर्ट भी मिल जाता है और आपको माइलेज भी मिल जाता है। तो भैया क्या चाहिए फिर और। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जोड़ दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।